है आपका एक ऐसे मंदिर में जो कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की परंपराओं को, दोनों के धार्मिक आस्थाओं को मिलाकर बनाया गया है। इस मंदिर का नाम है महाकाल मंदिर, जो दार्जिलिंग शहर में स्थित है। आप देख सकते हैं ये पताका जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक है, ये माने जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक है। और हमारे साथ हैं एक मित्र जिनका नाम है अनमोल। छोटे छोटे बंदर आप देख सकते हैं जो कि खास तौर पर आपको हिंदू मंदिरों में दिखेंगे। ये रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ से चौरास्ता का ये फन फेस जाते हैं यहाँ से, और हम लोग यहाँ से बैक साइड यहाँ से आती है और फन फेस यहाँ से ये मेल रोड से आके रास्ता है, और ये उधर चौरास्ता भानुभवन आगे का रास्ता है। वाह। और अब हम लोग मंदिर के एक भाग में प्रवेश कर रहे हैं, और फिर ये काली मंदिर है, और फिर इसके बाद आपको हम महाकाल मंदिर लेकर चलेंगे जो इसी मंदिर का सबसे प्रमुख हिस्सा है। बहुत सारे बंदर आप देख सकते हैं, इन्हें देखकर थोड़ा डर भी लग रहा है। कुछ बहुत सारे बंदरों का झुंड। और अब हम लोग, ये है महाकाल मंदिर, और हम महाकाल मंदिर में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये है नंदी महाराज, और आप देखिए ये कैसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की परंपराओं को एक साथ मिलाकर बनाया गया है। ये प्रतीक है बौद्ध धर्म का। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस मंदिर में जिसका नाम है श्री श्री महाकाल शिव मंदिर। और ये है यहाँ का महाकाल मंदिर, जो भगवान शिव का एक मंदिर है, और ये यहाँ के मंदिर के पुजारी बहुत अशांति में रहता है। यह इक्वल दे रहा है भूमि ने, सबके लिए अन्ना जो खाना है सबके लिए भूमि ने दिया, सबके लिए इक्वल दे रहा है वायु अग्नि, इसमें तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं। कौन है फिर भगवान कर रहा है? हम लोग को डिविजन कौन कर रहा है? हम लोग खुद कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग अज्ञान है, ज्ञान नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग का। आप इस मंदिर की खूबसूरती देख सकते हैं, एक तरफ भगवान बुद्ध और दूसरी तरफ हिंदू धर्म के बहुत ही पूजनीय गुरु बजरंगबली। तो ये है हिंदू धर्म का एक प्रतीक घुमाते हुए। तो आज के इस हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के एक ऐसे शानदार मंदिर में आपका स्वागत था, जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की परंपराएँ एक साथ मिली हैं। तो मैं नीरज सिंह आपसे यही विदा लेता हूँ आज के इस शानदार दिन और कार्यक्रम में। धन्यवाद।